leaders, basically member, youth leaders, academia, gangsters, absolutely precious, alaikum, madam, namaskar, sasteka, jury. अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन से रहेंगे तो शायद सबको बात सुनने का और देखने का मौका मिलेगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ा तारीखी दिन है कि हमें जम्मू में एक पब्लिक मीटिंग करने का मौका मिला। जम्मू क्यों आए, ये सवाल कल से बहुत बार हमें पूछा गया। हम चाहते तो अपनी सियासत कश्मीर में कश्मीरियत की या कश्मीरी आइडेंटिटी की बोगी चला के चला सकते थे। हम चाहते तो एक इलाकाई कश्मीर बेस्ड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करके जम्मू और कश्मीर के बीच में नफरतें फैला के असेंबली सीटें जीत सकते थे, लेकिन हम ये फांसी इसलिए लाए हैं ताकि इस रियासत के हर वर्ग को, इस हर रियासत के हर रीजन के हर एक शख्स को रिलीजन कास्ट रीजन से बालातर होके अपनी बात कहने का मौका मिले। हम यहाँ लोगों को जोड़ने आए हैं, हम इस रियासत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी, इसके फ्यूचर, इसकी नई जनरेशन के तामदार मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए। खुशी का मकाम ये भी है कि हम कोई वोट लेने नहीं आए हैं, क्योंकि हमने कॉन्शियसली एक फैसला किया कि हम पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, ताकि जब हम आपके सामने आए और आपसे बात करें आपको ये न लगे कि हम खुदा का खासा ये बातें वोट की सियासत के लिए। हमने सियासत उस टाइम शुरू की है, ये पार्टी उस टाइम शुरू की है जब सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग का जमाना है। ये वो वक्त नहीं है जब कश्मीर में एक बात की जाएगी और जम्मू में दूसरी बात की जाएगी। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो कश्मीर का, लद्दाख का, भी पंजाब का, चिनाब वैली का हर एक नौजवान मुझे सुन रहा है और कल मुझसे सवाल कर सकता है कि आपने कल वहां पर ये बात की, आपने वही हिपोक्रेसी फिर से स्टार्ट की जिस हिपोक्रेसी को खत्म करने के लिए आप सियासत में आए थे। इसके बाद जो वाले हम सियासत किस चीज पे करना चाहते हैं और आइडिया क्या है सियासत का, मैं थोड़ा सा अपने मैनिफेस्टो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो की कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एक तहरीक का नाम है जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ छोड़ के आए हैं। मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ, डॉक्टर साहब अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, उजैर लंदन से छोड़ के आए हैं, जम्मू के अजय जी अपनी बिजनेस छोड़ के आए हैं, जावेद उस्मान अपनी साहब को 50 पार्टियां ऑफर कर रही थी टिकट, ये वो टिकट छोड़ के आए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम एक विजन लेके आए हैं, जो विजन ये है कि हम एक पॉलिसी की स्ट्रेट फॉरवर्ड हकीकत पसंदाना रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की स्टेट को क्रिएट करें। जम्मू की फ्यूचर लीडरशिप जो है, जो एक विजनरी लीडरशिप है, जो यंगस्टर्स भी हैं और ओल्ड लीडर्स भी हैं, जो मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, जो जोड़ने के बारे में सोचते हैं, यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद है उनके साथ एंगेज करना। दूसरी बात, जब मैं जम्मू के यहाँ पे सिविल सोसाइटी से मिला, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के इश्यूज क्या है, तो सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे लगता है वो ये है कि इनको लगता है कि शायद हमारी डिसएम्पावरमेंट हो रही है। इस रियासत की जो सारी पॉलिटिक्स है, इस रियासत के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो शायद जम्मू की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। जब हम लद्दाख जाते हैं, लद्दाख की भी ये कहता है हमारे साथ आज तक बहुत नाइंसाफी हुई है। जब हम कश्मीर चलते हैं, कश्मीर में आपको यही आवाज सुनने को मिलती है और लोग कहते हैं कि हमें दबाया जा रहा है और हमें शिकार किया जा रहा है। हमारी फंडामेंटल जो मैसेज आज यहाँ से जानी चाहिए वो ये है कि हम सारी हकीकतों को एक्नॉलेज करना चाहते हैं। अगर मैंने कश्मीर में कहा कि कश्मीर एक लिविंग कब्रिस्तान बन चुका है, अगर हमने कश्मीर में ये कहा कि आज जब आरसपुरा में, नौशेरा में, कठुआ में, सांबा में जब शेलिंग होती है और लोगों की जिंदगी हराम होकर रह जाती है, तो हमारा खून वहां पे हम खून के आंसू बहते हैं। अगर हमने ये कहा कि लद्दाख के जो लोग हैं
वो डिसएम्पावर हैं, आज तक हम उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं। जो बात हमने कश्मीर में की, हम वो बात जम्मू में भी करेंगे और हम वो बात जम्मू में कर रहे हैं। हम करना क्या चाहते हैं, हमारी सियासत बाकी सियासत से अलग कैसे है? हमने कहा पहली बात यह है कि कश्मीर का जो मसला है, जम्मू का जो मामला है, लद्दाख की जो एस्पिरेशंस हैं, इनका फाइनल सेटलमेंट होने में वक्त लग सकता है, लेकिन हमें अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोनी है, हमें अपने आसपास के जो रिश्ते हैं वो हमें खत्म नहीं करने हैं। जब तक बाकी पॉलिटिकल इश्यूज खत्म हो जाएंगे, उनको मसले हल हो जाएंगे, हमें तब तक जिंदा तो रहना है ना। हम पहली बात करेंगे इंटरडिपेंडेंसी की। हमने कहा हमारी पार्टी पहली बात करेगी कि जम्मू और कश्मीर के बीच की जो बिजनेस इंडिपेंडेंसीज हैं, जो ट्रेड की इंडिपेंडेंसीज हैं, हमने उनके बारे में कभी सोचा है क्या? आज तक कश्मीरी को डर लगता है जम्मू आने में, बिकॉज 12 घंटे का सफर है। जम्मू वाला अगर गुलमर्ग या पहलगाम जाना चाहेगा, उसको दो बार सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं कि नहीं, बिकॉज पिछले 70 साल में हमने एक रास्ता नहीं दे पाया है इन दो रीजन को कनेक्ट करने के बीच में। अभी तक आपका जो मुगल रोड है, अभी मार्च भी खत्म होने वाला है, लेकिन 6 महीने मुगल रोड की जो रास्ता है वो बंद रहता है। यहाँ से राजौरी पहुंचाने में, पेशेंट को आने में उसकी उम्रें गुजर जाती हैं, हमने आज तक रास्ता नहीं दिया। ये कोई बड़ा मसला आपको लगता है? हमने लद्दाख के बारे में बात की, मैंने कहा लद्दाखियों के बारे में आप बात करते हैं कि लद्दाखियों को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये क्यों सोचते हैं कि ये डिसएम्पावर्ड है, इनको तो सब कुछ दिया गया है। हमने कहा 70 साल में हमने लद्दाखी को हीटर जलाने की फ्रीडम नहीं दी। आपको पता है मोस्ट ऑफ द लद्दाख जो फ्रंटियर एरियाज हैं, कुछ इलाके जनसेट में चलते हैं, कुछ लोकल। हमने एक यूनिवर्सिटी इस रीजन में नहीं बनाई है पिछले 70 साल में। यूनिवर्सिटी मुझे लोग कहते हैं वहां ठंड है, यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है। मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ता था वहां का जो माहौल है -30 डिग्री था। लद्दाख से ज्यादा कोल्ड है, पूरी दुनिया के लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। हमने लद्दाखियों को बोला हम वहां यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते, बिकॉज आपको वहां ठंड लग जाए। हमने सारे लद्दाखियों को उठा के वहां से भेजा चंडीगढ़ और भेजा लेह, लेह से बाहर भेजा उनको, दिल्ली भेजा, जम्मू भेजा, उनको दर दर उतार कर वो अपनी फैमिली से दूर हुए। उनको वही एजुकेशन जो 10 रुपए में मिल सकती थी उनको 100 रुपए में मिलती है। हमने आज तक लद्दाख में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं। उनके पास नदी है, दरिया है, पहाड़ है, सब कुछ है, सोलर रेडिएशन दुनिया की सबसे ज्यादा है उनके पास। हमने आज तक उसको गिराने की तरह एक हमारे डेजर्ट की तरह उसको छोड़ दिया। आज इलेक्शन होने वाले हैं, मुझे बोलिए लद्दाख का बच्चा कहाँ वोट दे देगा? गवर्नमेंट जिनके पास 1 लाख करोड़ का साल का बजट है, हमने जम्मू में आज तक एक हाईटेक हार्ट इंस्टीट्यूट नहीं क्रिएट किया, हमने श्रीनगर में आज तक एक कैंसर इंस्टीट्यूट हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं जंगलों की, हम बात करते हैं यहाँ पर डिवीजन की, हम बात करते हैं एक मजहब की, और उसमें अपने इश्यूज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। कश्मीर की अपनी प्रॉब्लम है, हमें उस कश्मीर की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अगर कश्मीरी कुछ चाहते हैं उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, वो हमारे अपने लोग हैं। जम्मू वाले को सोचना पड़ेगा कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं और डोगरा भाई हमारे भाई हैं, ये हमारा बिलीफ है और ये हम कश्मीर में बात करते हैं। सबसे बड़ी एम्पावरमेंट होती है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। यहाँ हमारी पार्टी का सबसे बड़ा बिलीफ है कि जब तक यहाँ का सरदार, जब तक यहाँ का कश्मीरी पंडित, जब तक यहाँ का SC ST, जब तक यहाँ के गरीब लोग को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है बार बार कि यहाँ का जो क्रिश्चियन है, यहाँ का जो सिख है, यहाँ का जो कश्मीरी पंडित है, यहाँ का जो माइनॉरिटी का बुद्धिस्ट है, उसको सिर्फ बनाया जाता है फलानी बोर्ड का वाइस चेयरमैन बन गया, ये SC बोर्ड का जी बन गया, ये वाइस चेयरमैन ये बन गया, वाकफ बोर्ड का वाइस चेयरमैन, ये MLA क्यों नहीं बन सकता है, इसको टिकट क्यों नहीं मिलते देंगे? आज आप कश्मीरी सिख को वोट देंगे, आज आप जम्मू कश्मीर को वोट देंगे, अंडर प्रिविलेज जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको वोट दे देंगे। आज हमें सबूत देना है कि जो हम कहते हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे। बात सिंपल सी है कि हम एक नया विजन लेके आए हैं। हम बिलीव करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ा एक रिक्वायरमेंट है स्टेट की। करप्शन इज अ वेरी सीरियस इशू। हमने यहाँ स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बात की, हमने कहा स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन को किसी पटवारी साहब के खिलाफ कम सर सीनियर से सीनियर मिनिस्टर के खिलाफ CO बोर्ड ऑफ पावर लेके उनके खिलाफ कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर हमें कंप्लेंट करनी है तो हम करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे जम्मू में, लद्दाख में लोगों को
ये अपनी जगह अप्रिहेंशन रहता है, कश्मीर में अपनी जगह ये अप्रिहेंशन रहता है कि हमारे जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज में हमारे साथ नाइंसाफियां होती हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारी रियासत की जो कम्युनिटीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव की एक कमेटी बैठेगी, वो क्यों नहीं अपॉइंट करती है, वो क्यों रिकमेंडेशन करती है, उनके सामने पैनल जाएगा जिस तरह से हमारे हाईकोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, यहाँ के JKPSC का चेयरमैन है और उसके मेंबर्स हैं, यहाँ के जो SSRB के जो चेयरपर्सन होते हैं वो बाईपार्टिज़न अपॉइंटमेंट उनकी होनी चाहिए, उनको पॉलिटिशियन की अपॉइंटमेंट हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी का इंसाफ क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, हम कश्मीर में डेमोक्रेसी को डीपन करना चाहते हैं, हम जम्मू में डेमोक्रेसी को डीपन करना चाहते हैं, हम रियल डेवलपमेंट लोगों को बताना चाहते हैं कि रियल डेवलपमेंट ये नहीं है आपके पुल बनाए गए और आपको रास्ता दिया गया, रियल डेवलपमेंट ये है आपने अपने माइंड्स कैसे चेंज किए, आपने लोगों की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो आपने कैसे की, आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कैसे सोचता है, आपके यहाँ से कितने साइंटिस्ट निकले, आपके यहाँ पे पेटेंट कितने हो गए, आपके कितने लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग यहाँ पे की हुई है, आपके यहाँ पे जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे कितनी आई है, आपका जो क्रिएटिव जो इंडस्ट्रीज है उनमें आपकी पार्टिसिपेशन कितनी है, आपकी जो औरतें हैं अगर आपके 100 मुलाजिम हैं उनमें औरतें कितनी मुलाजिम हैं आपकी, अगर आपके ऑफिसर 50 हैं उनमें से औरतें कितनी मुलाजिम आपके ऑफिसर्स में से हैं, पार्टिसिपेट अगर आपकी जो हाई लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें SC कितने हैं, उनमें SC कितने हैं, उनमें बैकवर्ड क्लासेस के कितने लोग हैं, उनमें डिवर्सिटी कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट नरेगा नहीं है, नरेगा इंपॉर्टेंट है, पुल बनाना इंपॉर्टेंट है, ब्रिज बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट, आज भी जब आपकी बेटियां हमारी बहनें जब उनको हॉस्पिटल से वापस किया जाता है बिकॉज बेसिक गरीबी की सहूलियत नहीं है, इसको मैं डेवलपमेंट कहूंगा, मैं क्या करूंगा उस आपकी बिल्डिंग का जो आपने बनाई है यहाँ पे, जिसको आप मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं, जिसमें बेसिक एमिनिटीज आपकी अवेलेबल नहीं है, जहाँ की दवाई गलती है, जहाँ के डॉक्टर की डिग्री नहीं है, आओ डॉक्टर को मारो बोलो डॉक्टर की गलती है, आपने डॉक्टर को तनख्वाह कितनी दी है, आपके डॉक्टर को 50 घंटे आपका हफ्ते में उसको काम कराते हैं, उसको इंसाफ का जवाब दे माहौल नहीं दिया, वो डॉक्टर करेगा कैसे आपके, हम इन सारी चीजों को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये बहुत ही लंबा रास्ता है, हमारी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये तबका हमारे साथ जुड़ रहा है, ये कुर्बानियां देने आ रहा है, जम्मू का जो हमारा डोगरा है, लद्दाख का जो बुद्धिस्ट है, करगिल का जो हमारा भाई है, हमारा चिनाब वैली और रजौरी फौज का जो भाई है, मेरे आसपास से यहाँ पे लोग आए हैं।